तो आ गए सब लोग, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस देखो, अपना एक बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया और हमारी एनिमी कम्युनिटी के लिए भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हाँ, हमारा नरूटो हिंदी डब होके सुनिए पे आ रहा है। यस, ये बहुत बड़ी बात है कि नरूटो जैसा बड़ा एनिमी फाइनली हमें इन हिंदी डब मिल रहा है, वो भी इंडिया के अंदर। गाइस फैन डब भी नहीं, हिंदी डब ऑफिशियली हमें फाइनली मिल गया है। और मैं आज तुम्हें अपना रिव्यू देने वाला हूँ कि मेरे को नरूटो कैसा लगा, मेरा ओपिनियन क्या है नरूटो के हिंदी डब ऊपर। और बहुत लोग बोल रहे हैं इसके हिंदी डब वगैरह के ऊपर, तो मैं तुम्हें उनके लिए भी एक रिप्लाई है मेरे लिए, इस लास्ट तक बने रहना। सबसे पहले बात करी है सेंसरशिप की, तो देखो सेंसरशिप जैसा मैंने सोनी से एक्सपेक्ट किया था वैसी तो उनने सेंसरशिप बिल्कुल भी नहीं करी है। मैंने सोचा था बिल्कुल भी सीन नहीं दिखाए जाएंगे, लेकिन उनने बहुत सारे सीन दिखाए हैं जो गाइस मेरे को बहुत अच्छी बात लगी। और इनने बस कलर ग्रीन कर दिया है ब्लड का, जो गाइस बहुत अच्छी भी बात है, क्योंकि देखो बच्चों के लिए रेड कलर सही नहीं है ब्लड का। इसीलिए गाइस ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने ग्रीन कलर कर दिया। और गाइस जैसे मैंने सोचा था उस हिसाब से तो सेंसरशिप ना के बराबर ही हुई है नरूटो के अंदर, तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात है अपने एनिमे कम्युनिटी के लिए। और बात करते हैं अब डबिंग की। देखो डबिंग में मेरे को अच्छी बात क्या लगी, देखो नरूटो के जो जो कैरेक्टर्स आएंगे ना उन पर सबकी वॉइस सूटेबल है, बस हिनाता की छोड़ के, क्योंकि हिनाता की वॉइस गाइस नहीं, हिनाता की ऊपर सूटेबल नहीं लग रही है। और वहीं बात करिए नरूटो की नरूटो पे सूटेबल वॉइस है, साकुरा की साकुरा पे सूटेबल वॉइस है, सास्के की सूटेबल वॉइस है, काकाशी की तो वॉइस की बात मत करो गाइस, ये एक नंबर वॉइस है गाइस मेरे को काकाशी की लगी। और हम बात करते हैं भाई मेरे को इसमें बुरी क्या लगी डबिंग में। देखो इसमें गाइस बहुत सारे हिंदी वर्ड इस्तेमाल करे गए, हाँ इसमें बहुत हैवी हिंदी वर्ड इस्तेमाल करे गए। मतलब जो हमें सेकंड एपिसोड में कोना हामदू था वो हमें बता रहा था चाक्रा के बारे में, उसमें मंत्र का इस्तेमाल किया गया और भी बहुत सारे हैवी वर्ड इस्तेमाल करे गए हैं, जो गाइस मेरे को थोड़ी बेकार बात लगी। लेकिन जे लोग गाइस डबिंग तो करी है ना, लेकिन डबिंग गाइस इनकी एक नंबर है गाइस, मेरे को डबिंग इनकी बहुत अच्छी लगी। और रेटिंग की बात करूँ तो गाइस मैं इसको 10/11 की रेटिंग देना चाहूँगा, क्योंकि गाइस ये डबिंग ही ऐसी करी है जैसा मैंने सोनी एक्सपेक्ट किया था, उससे तो इनने ज़्यादा ही अच्छी डबिंग करी है। इसलिए गाइस मैं इनको 10/11 की रेटिंग देना चाहूँगा। अब मैं बात करते हैं अपन जो लोग बोल रहे थे कि भाई सोनी की डबिंग अच्छी नहीं है। देखो सबसे पहली बात तो अगर तुम्हें डबिंग अच्छी चाहिए तो खुद डब कर लो, अगर तुम्हें ज़्यादा ही अच्छी डबिंग चाहिए। और हम बात करिए सोनी ये वालों ने इसमें क्या गलती करी है, इनने गाइस ना के बराबरी गलती करी है सोनी ये वालों ने, जैसा अभी एपिसोड के हिसाब से मैं बता रहा हूँ उनने ना के बराबर गलती करी है। लेकिन हमारे इंडिया के रूल्स ही इतने स्ट्रिक्ट हैं, तभी भी वो अपने लिए एनिमे लाए, नरूटो लाए सोनी ये वाले। इसलिए यही शुक्र समझो कि नरूटो हिंदी डब हुआ है, वो भी बिना इतनी कम सेंसरशिप के साथ, ना के बराबर सेंसरशिप के साथ हुआ है। और जो लोग बोल रहे हैं इसके वॉइस आर्टिस्ट बेकार हैं, तो देखो अभी नरूटो स्टार्ट ही हुआ है तो हमें आगे जाके इनके वॉइस आर्टिस्ट थोड़े बहुत डिफरेंट देखने मिल सकते हैं, लेकिन अभी सबकी वॉइस इनके ऊपर सूटेबल है। लेकिन हिनाता की वॉइस ही मेरे को थोड़ी अलग लगी और ज़्यादा अजीब लगी, लेकिन तो भी वो उसके ऊपर सूटेबल लग रही है, लेकिन वो थोड़ी अडल्ट टाइप की लग रही है हिनाता के ऊपर। लेकिन हमें आगे के एपिसोड में दिखाई जाएगी उसकी वॉइस अच्छे से, जो हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा आखिर उसकी वॉइस क्या है, क्योंकि वो एक ही बार बोलती है और एक ही सीन में बोलती है, जिससे कि हम पता नहीं कर सकते कि आखिर हिनाता की वॉइस कैसी है। तो अब बात करते हैं अपन कि मेरा ओपिनियन क्या है, मैं क्या सोचता हूँ नरूटो के बारे में। तो देखो भाई हिंदी डब इसकी टॉप नंबर है। और देखो उसकी टाइमिंग की बात करिए तो देखो ये सुबह 9 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में आता है, और रात को भी 9 बजे से 8 के बीच में आता है, दिन के टाइम 2 बजे से 4 बजे के टाइम तक आता है, 2 से 4 की टाइमिंग, या इतनी दिन की टाइमिंग नहीं पता, लेकिन सुबह की और रात की टाइमिंग सही है। और अपन है इसको बहुत अच्छी TRP देनी है, जिससे कि नरूटो स्टूडेंट है वो भी हिंदी डब हो सके। इसलिए प्लीज़ सपोर्ट करो नरूटो को। और हाँ, जिसको भी वीडियो अच्छी लगी हो वो हिट दैट लाइक बटन और सब्सक्राइब के बटन को तोड़ डालो, और कमेंट में अपने अपने रिव्यू बताओ कि तुम्हें नरूटो की हिंदी डबिंग कैसे लगी।